चले आज हो रहा है घर साफ सफाई। अभी गैस टेबल सब धोया जाएगा, गैस टेबल धो रहे और ऊपर पूरा झाला साफ करके ली। किचन का झाला तो साफ हो गया, अभी बचा है बेडरूम का। पानी आ गया पीने का पानी, तो ऊपर चढ़ जाना तो एकदम ऊपर तक हाथ चला जाएगा बाबाई। देखिए क्या हालात है, हो गया बोली इसके लिए ऊपर चढ़, इन्हें सुनती नहीं। लम्बे कर रही हूँ, लम्बे ऊपर चढ़ के कर रही हूँ। चलिए साफ कर, तो भी साफ हो रहा है हॉल का। क्या इधर साफ भी? हाँ तो कर लो, मैं साफ करके फिर दोबारा उसके ऊपर से झाला साफ कर, पूरा जाके झाला उसके धार धार करके। बाबू झाला गिरेगा, मैं झाला साफ कर लूं फिर आओ। इधर झाला सब गिर रहे, ए मकड़ी मर, बहुत तंग करते हैं मकड़ी। इसका लाइन भी है, इसका जगह पे लगा के रखते गया, बहुत तकलीफ होता है। और क्या आधा किलो का पैकेट तो नहीं है। मकड़ी मकड़ी का मकड़ी का मकड़ी पांच मिनट बाद आएगा तो आज तो चलेगा, तो तू क्या लेके आया? साफ लेके आया, चल चल मकड़ी का। ए मकड़ी का देखो, स्पाइडरमैन गिर गया, गेट लगा, गेट लगा बाबा। सब बच्चे बैठे हैं, ये सबसे खतरनाक ज्यादा हो रहा है, ये ना डाम डूम डाम डूम कर, कहीं से यही से सबसे ज्यादा गिरता है, गिरेगा ये लू से। लास्ट टाइम मेरे ही सर में गिरा था, तो इस बार माता फ्रिज में रख दे भाई। हो रहा है 94। अभी पूरा घर साफ सफाई करके झाड़ पी, आज क्लीन हुआ, बिग क्लीन। और अभी झाड़ू लगाई जा रहा, बहुत झाला हो गया था, पंखा उनका सब साफ किया। मैं तो पूरा ऊपर का क्लीन की, क्या आजकल सब कोई लगा नहीं लगा आया तो है। हाँ ना एक दिल्ली वाला आया इधर, जाने के बाद जब तक मैं मम्मी से पूछ के आया कुत्तों को बंद, फिर वहाँ से एक आया, अरे वो सीधा वो आएंगे, वो गली से पूछ के सीधा कपड़ा नहीं मार आएंगे, रुक जा अभी बहुत आएंगे। कढ़ाई गिरा, भिंडी था, देख बाबा इजाद कचरा देख के यार, आने का टाइम बाम्बू ले क्या कितना तेरा पापा का तो ऑर्डर भाई ऑर्डर आता ही रह रहे। देख कचरा देख क्या उधर रख, मैं बाहर कपड़ा डाल रही हूँ, कल डाली सूखा नहीं। और मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, क्या हुआ? पहले इतनी बड़ी सोफा मेरी होती थी, अब ये भी कद्दू आ गया। वो सोता सोता फिर दब जाएगा, जब तक नहीं दबेगा तब तक तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। वो खराब हो गया, रुक जा थोड़ा पैसा आने दे फिर उसको बनाएंगे। सब इसको बेच के क्या लेने का? नहीं उतना नहीं होगा, इसको पूरा देने का, पूरा इसको कलर कराने का, फिर सब नया लगाने का। सोफा भाई पलंग थी ना, लेकिन सोफा भाई पलंग क्या करने का, बोलने का बैठने का सोने का।
चलो इन लोग झाड़ू लगाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग सब अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छी हो। और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। मेरा पूरा मैं एकदम फेस हो के आई, ये अभी जाएंगे, इसका टाइम है जाने के फेस होने के लिए, क्योंकि आज किचन बेडरूम हॉल पूरा साफ की, एकदम क्लीन साफ की, ऊपर का सब झाला वाला बहुत हो गया था, सब साफ की। और किचन तो पूरा गैस टेबल को क्लीन की, गैस टेबल से लेके पूरा बेसिन उसिन सब धोई साफ की एकदम, क्योंकि झाला साफ करो ना तो ना बहुत झाला गिरता है, इसके लिए उसको पहले साफ करके लेना पड़ता है। तो पानी आ गया था, मैं पानी मैसिंग में लगा दी थी, मैंने बोली पानी मैसिंग में लगा दो, दे के ये काम कर लो फटाफट, सब झाला वाला साफ कर दो। झाला वाला साफ करके ली, फिर झाला साफ हो गया था, फिर पानी आया तो मैंने बोली सब फटाफट धो के लूँ, रगड़ के लूँ, फिर पानी से धो लेंगे, तो हो गया था, सब हो गया। नहा धा के मैं फेस भी हो गई, पूरे बाल हार ये सब की तो वो तो जान दीजिए, ये सब की तो उसके लिए बाल धोने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन मैं टॉयलेट धो के आई, पूरा टॉयलेट का झाला साफ की, झाला हो गया था। हस्बैंड धोता है लेकिन इस बार हस्बैंड नहीं धोया, तो मैंने बोली चलो मैं ही ये काम कर लूँ, तो मैं ही धो के पूरा टॉयलेट धो के झाला साफ करके टॉयलेट वॉयलेट धो धा के एक बार मैं नहा धा के निकली, शैम्पू कर ली। शैम्पू वम्पू हो गया, पूरा फेस हो गई एकदम। अभी जाके नाश्ता पानी करने गए। और अच्छा हुआ आज मेरा हस्बैंड ने एक चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया, जे एकदम खाना लाइट बनाने के लिए बोला, जो आसान है उतना काम धाम एकदम ही लाइट, कोई झंझट ही नहीं। अभी देखिए 11:15 हो गए, 11:16 हो जाएगा खाना, एकदम सादा खाना बोला। और उनके लिए रात को बोला खिचड़ी बनाने का, तो उनके लिए रात को खिचड़ी और अभी कुछ भी बना लेंगे, और चावल है हम लोग का हो जाएगा यही है। और मेरा सिर फिर दुख रहा है, तो थोड़ा चश्मा पहन लूँ, चश्मा पहने तो सिर दर्द कम हो रहा है, नहीं तो फिर दुख। और गोली उली दिया, जो गोली दिया आप लोग को देखा ही नहीं, क्या कल मैं देखा रहा वो गोली का है, वो गोली हो रहा है, मेरा बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है ना, कैल्शियम की कमी है शायद, कैल्शियम की कमी। और ये जो टकला है ना, टकले का पीछे का साइड में जो नस है वो उसमें ना ये हो गया, सूजन आ गया, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, टेंशन का कारण से बहुत इन लोग का चलते हैं। मैं तो डॉक्टर को भी बहुत बात बोली भी नहीं, खाली इतना ही बोली, उसने देख के ही बोल दिया, मेरे को नहीं बोला ये सब बात, क्योंकि मालूम है मैं और भी टेंशन लेंगे। उसका पापा गोली लिया था मेरा, 450 का गोली लिख के दिया, दोनों गोली एक महीना खाने का, तो वो जो बॉक्स वाला दिखाई नहीं क्या, कांच की छोटी सी, देखिए इसमें कांच की बॉटल है सब, एक एक हफ्ते में खाने का, तो अभी खाई, कभी खाई, इसके ऊपर लिख के रखने का पेन से, कल खाई 29 तारीख को, तो अभी फिर कल मंगलवार को खाई, अभी अगले मंगलवार को फिर खाने का, तो 4 हफ्ते का है ये खाने का, इसमें 4 बॉटल है रोज, 4 बॉटल है, एक एक बॉटल निकलने का और पी लेने का, ये कैल्शियम की है। और ये सबसे महंगा है, और ये वाला जो है ये एक गोली रोज रात को लेने का एक महीना, ये भी, और फिर कल जाने का उनको जो रिपोर्ट है रिपोर्टों को टेस्ट कराने का, और उनको पूछ के आना पड़ेगा, जो वजन उन्होंने बोला ना वजन कम करो, उस मेरे को भी बोला, उसका पापा को भी बोला, जो भाभी को बोला वजन कम करने के लिए, भाभी का वजन बहुत बढ़ गया, तो
वजन कम कराने के लिए उनको पूछ के आएंगे क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा वजन कम होए। मैं तो बहुत कुछ करके देख ली, आप ही बताइए सोल्यूशन क्या है इसका। वजन कम होए तो बता देंगे और पूछेंगे घबराहट सी क्यों होता था मेरे को। उसका पापा बोला ही था घबराहट सी तेरा ये सब टेंशन का चलते तेरे को इतना तकलीफ हो रहा है। डॉक्टर ने वही बोला, वो डॉक्टर ने मेरे को नहीं बोला, उसका पापा को जब लेके गया दावा गुली देखाने तब बोल दिया। टेंशन लेने से बोलता है भाभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से सिर पीछे का सिर में पूरा नास में नास सूज गया, उनका नास पूरा सूज गया मेरा पीछे बाजू से पीछे का हिस्से में। इसके लिए मेरे को इतना चक्कर आ रहा है और इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो गोली वोली दिया तो बोला ठीक हो जाएंगे और कल रिपोर्ट आएंगे तो फिर जाएंगे दिखाने के ये सब उनका वो सब। मेरा गोली बोला सब चालू रखने का, जैसा है वैसा ही चालू रखने का, ये इसका साथ साथ ये भी लेने का। तो ऐसा है, तो एक गोली तो अभी रात को लेने का है और वो बॉटल वाला मंगलवार को लेने का, अगले मंगलवार को मतलब 4-5 तारीख को लेने का है। तो ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ अभी इधर ही डॉक्टर दिखाएंगे, वो उधर जाओ ना दिखाने के लिए, वो उतना देखता नहीं, हाथ लगा के ना चेक करता है ना कुछ, ऐसे बीपी चेक में ये कर देता, ये पूरा मैसिंग लगा लगा के चेक करता है, पेट वोट दबा दबा के देखता है, हाथ वो सीट सब देखता है। इसके लिए इनका पास ही देखा नहीं, इसका पापा बोलता है नहीं ऐसा ऐसा है होती है इसका। तो ऐसा है, तो चलिए नाश्ता करने का, सीट भी है फिर से दर्द हो रहा है, तो चश्मा लगाओ तो कम हो जाएगा, चश्मा से कम हो जाता है सिर दर्द ऐसा बहुत ज़्यादा। लड़की भी बहुत खिटखिट खिटखिट करता है, उसका लड़की खिटखिट का चलते भी जाती है और यही टेंशन सब चीज़ का कैसा क्या होएगा। लड़की टेंशन ले लेती है बोल के उसका टेंशन मेरे को आ जाता है, कैसा क्या होएगा क्या करेंगे कैसे चलेंगे ऐसा क्या। हाँ हाँ, और मैं अनियन वाला शैम्पू से बाल धो के उसको दूसरा शैम्पू लगता है, मेरे को दूसरा शैम्पू लगता है। हम लोग का दोनों का स्किन अलग अलग है, दोनों का शैम्पू अलग अलग लगता है। तो चले मिल लूँ थोड़ी देर में, क्या नाश्ता मिलता है देखूँ। पहले मैं थायराइड की गोली खा लूँ, बाबा ही मेरा थायराइड की गोली और एक गिलास पानी ला के दे। मैं सुबह से पानी नहीं पिया है, आज सुबह रोज पानी पीती हूँ, 5 बजे मैं पानी पीती हूँ एक गिलास भर के, आज वो भी नहीं पिया। आज क्या हो गया मालूम है आप लोग को, आज मेरा थायराइड की गोली निकल के देख, आज क्या हो गया, आज 5 बजे का अलार्म बजा, तो मैं कल रात को 2 बज गया था सोते सोते, तो मैंने बोली थोड़ी देर में उठ रही हूँ, मैं बोली 5 मिनट में उठ रही हूँ। आज भिंडी था तो भिंडी में तो उतना ये नहीं लगता, फटक से हो जाता है भिंडी बटाटा फ्राई। मैं बोली 5 मिनट में उठ रही हूँ, उठ के भिंडी बटाटा फ्राई कर रही हूँ। और क्या हो गया वो सोच के मैंने बस हो गया आ गए गोले थायराइड की। वो सोच के मैंने सो गई, ये उठेंगे अभी थोड़ी देर में बोल के सो गई। 6:10 काम था मन में, 5:50 हो गए तब मेरा अचानक आँखी खुला, जैसे वो पातली में बना लेना, तो 5:50 को आँखी खुला, उठ के मैं बोली देखो तो कितना बजे, देखी 5:50 हो गए। मैं लड़की को अरे उठ 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 जल्दी उठ 6 बजने जाए, हस्बैंड बोल रहे क्या हो गया क्या हो गया, मैंने बोली आज लेट हो गया 6 बजने जाना, तो कुछ बोला नहीं वो। फिर भी मैं फटाफट फटाफट उठी, उठ के गई, लड़की भी उठा, उतने में काछरा वाला भी आया, काछरा दिया लड़की, फिर लड़की दूध गर्म बैठाया बैठा गया, मेरे को आटा दिया, आटा गूंथते गूंथते वो भिंडी बैठा दिया, तो हो गया था 6:30 का पहले हम लोग का रोटी वोटी हो गया था, 6:20 तक रोटी भाजी सब हो गया था। फिर उनको फिर वो उठ गया था, फिर उन्होंने गया लेके डाबा, मैंने बोली ऐसा कभी नहीं होता है। वो बोला डॉक्टर ने जो दवाई नींद का है वो पीने से नींद आता है क्या रे, वो दवा पीने से नींद आता है वो नहीं। तो
उसका तो जितना भी डबल हो गया ना सबसे कम हो गया। ये हाई डोज में तो देखते हैं सब। मेरे को डॉक्टर ने नहीं बोला तो मेरे को पता है ना उसको इसमें कब से जा रहा है और दवाई क्या मन क्या हो गया तो नींद आ गया था तो मेरे को भी दिया थे लेकिन बाद में बड़ा बड़ा हो गया। ये देख तू लाल हो गए ना इसको ही बना और थोड़ा सा दूध डाल इसमें और थोड़ा सा दूध डाल अभी पतली क्या थोड़ा सा थोड़ा सा डाल ले थोड़ा पानी डाल वैसे जो एक गिलास तो चले मिल लो आप लोग से तो चलिए नाश्ता पानी हो गया दूध नहीं आज दूध चाय और बिस्किट बटर ये सब खाए नाश्ता हो गया अभी गुलगुला भी खत्म हो गया खा के अभी जा रही हूँ खाना बनाने आज भाई कुछ खाया ही नहीं। आज खाने में बनेगा काली चावल अभी बनेगा हम लोग के लिए काली चावल चावल है कुकर में तो बस कड़ी बनाए काल के चावल है उसको गरम कर लेंगे तो हो जाएगा वो चावल गरम कर लेंगे तो हम तीनों का हो जाएगा अभी खाली कारी बनाने का दही कारी बनाने का भजिया डाल के दही कारी बनाने का बस कांदे का भजिया डाल के दही कारी एकदम सिंपल बना लेंगे। थोड़ा लेट कर रही इसके लिए कारी तो फटक से हो जाता आप लोग को मालूम फिर कैसा ठंडा हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आता इसके लिए थोड़ा सी आराम से बनाएंगे दही करी आज एकदम सिंपल। अच्छा हुआ बाबा मेरे को पूरा घर साफ सफाई करने का था सब साफ की पंखा उनका सब खाली बाथरूम रह गया अभी लड़की ना निकले जाएंगे तो बाथरूम का झाला साफ कर देंगे हो जाएगा मैं भूल गई थी नहीं तो हस्बैंड शाम को जो आएंगे काम से तो बोला झाला साफ कर देंगे हस्बैंड ऐसा बोला कोई भी कर देंगे ऐसा कुछ ये हमारी अभी का नया लुक न्यू लुक मेरा ये डे नाइट है लेकिन इस बार सादा किया मैंने सादा कर ली नहीं तो इसका पहला का जो था ना वो डे नाइट था मतलब बाहर निकलो ना तो पूरा ये हो जाता था काला हो जाता था और फिर रात को वाइट होता था ऐसा डे नाइट किया था मैंने लिया था हाँ हाँ उन लोग को बोलेंगे ना डे नाइट का करके देने के लिए तो करके देता है मतलब धूप में जाएगी ना तो काला हो जाएगा क्या लेकिन आँखी का कराने जाऊँगा ये दूसरा इसकी चिक्का भी ये दूसरा काला हो जाएगा मेरी आँखी का ये जो है ना यहाँ से ये जो यहाँ से शायद फाइट हिस्सा है तो ये जो नाक है ना जैसा ये नाक से खून निकल के आएगा अरे वैसे ही अंदर से फील कर रही हूँ वही देखने का है कि हुआ क्या आ हो जाता है क्या पॉट पट कर नहीं अभी नहीं आ रहा बंद हो गया वो पाइप है तेरा वो तो चले मिल बलून बलून हमारा दांत के चक्कर में दांत हो गए इधर बैठा दी कढ़ाई इधर ले ली ऐसा छोटा छोटा बाटी का तीन बाटी दही इधर तीन बाटी दही है इधर है बेसन ज़्यादा नहीं डालेंगे दो बस दो चम्मच बेसन बहुत हो जाएगा इसमें अच्छा से फेंट के लूँ इधर कोतुम्बीर काली पत्ता हरा मिर्ची एक कांदे का पकौड़ा बनेगा उसमें डालने के लिए अरे पकौड़ा ऐसा खाने के लिए अरे गरम हो गया इसमें डाल देंगे तेल राई की तेल डाल अब इसमें मेथी डालेंगे चलिए गाइस तेल गरम हो गया इसमें डाल देंगे मेथी काली पत्ता मसाला अदरक लहसुन की पेस्ट थोड़ा सी अभी उसमें हल्दी नमक मिर्च पाउडर सब डाल तो चलिए भाई सब डाल दी अभी अच्छे से इसको भूंज के लेंगे मसाला को फिर इसमें डाल देंगे तीन हरा मिर्ची
मैं आपका हरा मिर्ची डाल दी क्रीम मुझे इसको चाहिए। अब मसाला को अच्छे से भून के लो लेके फिर दही और ये डाल देंगे। ये हो गया। किधर कर पा रहा हूँ नहीं देख रहा मेरे को अलग से तड़का लगाने का जोड़ भी नहीं है। ऐसा ही तड़का लग गया। अब इसमें पानी डालेंगे बहुत सारा बहुत सारा डालना पड़ेगा। फिर इसमें डालेंगे अपन अपना गुलाब। तो चलेगा साथ पानी डाल दो इसमें क्योंकि मेरा हस्बैंड को थोड़ा पतला चाहिए। डाला ए हमारी टाइम पे मत कर पतला। अभी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा भी नहीं लगते रहेंगे। अभी इसमें डाल देंगे अभी आधा कोतम्बीर अभी आधा आधा बाद में डालेंगे। डाल बस ये होते रहे। इधर कांदा पकौड़ा बने कांदा भजिया इसके लिए काढ़ी इधर बॉईल होते थे भजिया हो जाएगा बस देखने दे। ये जो बच्चे किसके लिए क्या ये वाला चूहा ये वो उसमें जाएगा सालन में। हाँ काढ़ी में दूसरा वाला वो हम लोग खाने के लिए अभी वाह भेजा भेजिए तुम। इसके लिए तो इसको छोटा छोटा बोली क्योंकि काढ़ी का छोटा ही अच्छा रहता है। साइड में डाल आंग पे मत चिपका। ए चिपको मत रे मुँह मानना नहीं सॉरी। अयो कैमरा चालू जाएगी। हाँ चालू तो क्या हुआ मजा आएगा सब खाने में। साइड में खाना भी मुँह मारते हैं ऑफकोर्स मारते हैं। बस उधर डालो साइड में जाओ अरे जाना शर्माते होने दे अभी इतना शर्मिली। चल ये हो जाएगा ना ये थाली में उठा कर रखो बॉयल होएंगे तो फिर डालेंगे। फिर ये भी बनाने का थोड़ा सी ये मसाला है ना जब ये कांदा भजिया डालेगी ये मसाला डाल देने का थोड़ा सी ये मसाला डाल देने का। हाँ क्या तारी आया देखिए ऊपर। तो चलिए होने दे लड़की जब तक इसको भी करे। लाल लाल करके फ्राई करने का नहीं लाल लाल होना चाहिए और काढ़ी जैसा बॉयल होकर ऊपर आएंगे ना गैस सोलो कर देने का काढ़ी। इधर हो रहा है आखिरी पकौड़ा जो हम लोग का खाने का और इधर बाकी सब पकौड़ा हो गया जो पकौड़ा जाएगा हमारा काढ़ी। और इधर हो गया काढ़ी एकदम गब्दा गुब्दा करके काढ़ी बॉयलर है अब इसमें चला जाएगा सब पकौड़ा। काढ़ी का पकौड़ा काढ़ी में मेरा हस्बैंड को भूत चढ़ता है ना जब तब वो हम लोग को ऐसा सताता है। अब थोड़ी देर इसको बॉयल करेंगे क्योंकि पकौड़ा का अंदर जाते काढ़ी का सब घुसे काढ़ी घुस जाए फिर जाके बंद करेंगे। क्या हुआ काढ़ी का मसाला घुसना चाहिए ना तो होल कर होल काय कर ऐसा ही घुसे। इसका ना क्या हो गया ये इधर जो आखिरी जो दार रहता नहीं क्या वो दार आ रहा है इसका निकल गया लेकिन अभी भी बाकी है तो इसके लिए उसको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। पूरा राइट की ये इधर से लेके पूरा सिर राइट का एक हिस्सा पूरा दर्द चालू हो गया उसका। ये हो जाएगा तो इसमें का कोतम भी डालेंगे इतना यार बॉयल हो जाए थोड़ा मैं थोड़ा बॉयल करके ही लेती हूँ काढ़ी में पकौड़ा डालने का तो कैसा अच्छा रहता है। अब इसका साथ मेरे को शाम को खिचड़ी बनाना पड़ेगा इसके साथ खाने के लिए। तेरा पापा ऑर्डर दिया याद नहीं है खिचड़ी
ये ले किधर रखूं? तेरी फटाफट बनाओ फिर मैं भी जाएगा। तो चले इसको बन, मैं थोड़ा पतला खाना हो गया, बन गया पतला ही राखी ज्यादा खाना खाए नहीं अभी नहीं ज्यादा ये नहीं थी ज्यादा घाट नहीं थी वो नहीं वो काड़ी का ए घुसा दिए अरे आप चार पार करके उठेगा ये ले नहीं। तो चलिए मेरा काड़ी बन के तैयार, काड़ी को ढक दो और इधर भाजी और हाँ उधर चले चावल फ्रूट वाले अंकल ने फ्रूट दी इधर कड़ी उसको रोटी दे कड़ी मेरे को एक्स्ट्रा तारी नहीं लाना पकड़ ये देखिए क्या कड़ी का कलर क्या है जबरदस्त ऊपर तेल लाल लाल अभी चावल जितना था मैंने लड़की को ली गरम कर हम लोग खा लो और तेरा पापा कल फिर शाम को खिचड़ी बनाएंगे तो तब डाल सबका तीन तीन है बस सबका तीन तीन है एक्स्ट्रा कांदा पकौड़ा। तो चले खाना खा लो फिर। हाय गाइस गुड इवनिंग अभी बज रहे 9:01 तो हम लोग का सबका चाय कुड़मुड़ा खाए आज कुड़मुड़ा चूड़ा मिला के खाए और चाय पी बस ब्लैक टी पी वही और कुछ नहीं हस्बैंड भी आया था ना आया था आटा कल लाने के लिए भेजी थी तो मेरा दावा ही लेने गया तो आटा लाना भूल गया तो अभी इसके लिए फिर गया आज आटा बेसन लाने के लिए बोला जाओ मैं आटा और बेसन लेके आऊँ नहीं तो परसों फिर बंद रहेगा तो आटा और बेसन लाने के लिए गया और लड़की गई है कांदा तेल लाने के लिए तेल नहीं है तेल और कांदा लाने का दूध की पैसा देने का ऐसा और आज कारी बहुत टेस्टी बना था बहुत गर्मी में बना तो लेकिन इस साल गर्मी में बना ही नहीं मैंने शायद नहीं बनाए उतना क्योंकि उसका पापा बोलते तपलिक तपलिक तो बना ही नहीं इसके लिए मैंने आज बनाई काढ़ी काढ़ी बहुत टेस्टी बना था मेरा लड़का पेट भर के खाना खाए काढ़ी फिर बाद में काढ़ी भजिया ले के भी काढ़ी पकौड़ा ले के भी वैसे ही रुक कर खाया तो अभी तो काढ़ी है खाली मेरे को बनाना पड़ेगा थोड़ा सी कांदा भजिया क्योंकि मेरा हस्बैंड को वो पकौड़ा काढ़ी का पकौड़ा भी चाहिए एक्स्ट्रा सूखा पकौड़ा भी चाहिए उनको दोनों ही चाहिए तो अभी वही बनाएंगे और खिचड़ी बोलेगा तो खिचड़ी बनाने का कुकर में बैठा देंगे हो जाएगा अभी जाएंगे अभी थोड़ी देर में बैठा देंगे 9:30 बैठा देंगे तो हो जाएगा यही दो चीज़ बनाने का भी रात को खिचड़ी और पकौड़ा उनको काढ़ी खिचड़ी बहुत पसंद है मेरे को काढ़ी चावल पसंद है उनको काढ़ी और खिचड़ी तो काढ़ी खिचड़ी खा लेंगे और चावल रहेगा तो मैं खा लेंगे नहीं तो खिचड़ी खाना पड़ेगा ऐसे ही मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना तो कर लेंगे। मेरा सीन ना अभी भी ना रह रह के जैसा आज मैं घर झाड़ू घर साफ कर रही थी ना तो ऐसा अचानक ऐसा ऊपर देखी ना फटाक से चक्कर आ गया था ऐसा अभी भी चक्कर आ रहा है सिर इधर इधर दुख रहा है इधर सब दुख रहा है ऐसा अभी तेल लगाने का ये तेल नहीं लगाई शैम्पू करके तेल लगाने का तो ऐसा तो कल जाने का डॉक्टर के पास फिर से दिखाने चेकअप है कल दोबारा भी टेस्ट ब्लड रिपोर्ट लेके कल चेकअप के लिए जाने का क्या मालूम अभी कल मिलता है कि नहीं मिल जाएगा कल शायद मिल जाएगा देखेंगे कल के क्या तो ये अभी रात की उतना कुछ है नहीं खाली खिचड़ी बनाने का और पकौड़ा बनाने का
तेल लगाने का है सिर पे और भाजी काटने का हस्बैंड कटापे के लिए, बस यही सब करने का और कुछ नहीं। तो वीडियो भी ख़त्म कर दूँ आज के लिए, वीडियो इतना ही। हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसे नहीं लगते। तो चलिए कल फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शिव रहती, शिव भी हैप्पी नेक्स्ट डे। आज दुआ में याद रखिए और सबके लिए दुआ कीजिए, यह तो सबकी मुराद पूरी है। तो चलिए कल मिल लो आप लोग का साथ। आज बहुत साफ सफाई सब किए, फिर इन लोग गया था बाहर तो आया खाना खाते खाते, बहुत टाइम हो गया, सोते सोते 5 बज गया था। फिर हस्बैंड आया तो तभी उठे ऐसे। तो चलिए कल मिल लो आप लोग का साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।